इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। इस वक्त की अपडेट की बात करें तो देवास से आ रहे जो हमारे रिपोर्टर कांटा कोर्ट से जयाब जायसवाल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि देवास जिला पुलिस प्रशासन वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा थाना कांटा कोर्ट के ग्राम लेहकी में भूमाफियाओं के कब्जे से लगभग 24 एकड़ से भी ज्यादा जमीन मुक्त कराई गई है। आज सुबह ही जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देश पर देवास पुलिस राजस्व वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम लहकी पहुंचकर भूमाफियाओं क्रमशः मीर खां के कब्जे से लगभग 0.95 हेक्टेयर, हैदर खां के कब्जे से 0.83 हेक्टेयर, कल्ला खां के कब्जे से 1.17 हेक्टेयर, अजगर खां के कब्जे से 2.64 हेक्टेयर और ताज खां के कब्जे से 1.1 हेक्टेयर, हरीफ खां के कब्जे से 0.86 हेक्टेयर तथा मोमिन खां के कब्जे से 2.19 हेक्टेयर कुल 9.76 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है। वही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा, अनुभागीय अधिकारी राजस्व प्रिया वर्मा, अनुभागीय अधिकारी पुलिस राकेश व्यास, एसडीओ फॉरेस्ट एसएल यादव, तहसीलदार सतवास प्रियंका चोरसिया, थाना प्रभारी कांटापुर लीला सोलंकी तथा कई थानों के थाना प्रभारी के साथ लगभग 16 जवानों का पुलिस बल एवं वन विभाग के लगभग 100 जवानों का बल मौजूद था। इन भूमाफियाओं में से एक हनीफ खान गो हत्या के मामले में थाना कांटापुर में जेल भी जा चुका है एवं हनीफ खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। साथ ही पूर्व में गो हत्या के प्रकरण में हनीफ खान के साथी गणों मोमिन खान, जिब्राइल खान, फारूक खान, सैद खान, इसराइल खान को भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल के सिकुचों के पीछे भेजा गया था। जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल से द्वारा इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी भूमाफियाओं को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा तथा उनके कब्जे से जमीन मुक्त कर संबंधित विभागों के सुपुर्द की जाएगी। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा भूमाफियाओं का जिले से सफाया किया जाएगा। आज थाना कांटापुर के ग्राम लहकी में पुलिस राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जो भू माफिया थे उनके कब्जे से लगभग हम लोग 9.76 हेक्टेयर अर्थात 24 एकड़ से भी ज्यादा भूमि मुक्त कराए हैं। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के निर्देशन में हम ये सारा काम कर रहे हैं और मौके पर एसडीओ बागली राकेश व्यास, एसडीएम कन्नौज प्रिया वर्मा, एसडीओ फॉरेस्ट एसएल यादव, थाना प्रभारी कांटापुर लीला सोलंकी और कई थानों की लगभग 100 जवानों का बल, वन विभाग के लगभग 100 लोग उपस्थित थे और ये कार्रवाई हम लगातार आगे जारी रखेंगे और कोई भी भूमाफिया हो उसको चैन से नहीं रहने दिया जाएगा और जमीन मुक्त कर हम संबंधित विभागों के सुपुर्द करेंगे और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। तो जैसे कि आपने इस अपडेट में जाना कि भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, वहीं ये रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर कांटा कोर्ट से चिराग जसवाल हमें दे रहे थे। जैसे कि आपने इस अपडेट में जाना, इस वक्त हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। जय भारत।